एलन राव साहब, हाँ जी सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, एसिड अटैक आपने तो तमाम केसेस देखे होंगे सर, मेन रीजंस क्या निकल कर आई है? जो एक एक अहंकारी एटीट्यूड होता है, पुरुष प्रधान समाज है, उसे ना स्वीकार नहीं है, और मोस्टली केसेस में या तो वन साइडेड लव होता है या क्रश हो गया, थोड़ा सा आप देखिए कि कोई किसी को पसंद कर लेता है, शादी के लिए मना कर दिया, तो मूल यही होता है, या फिर कभी कभी रंजिशन, पारिवारिक रंजिश, आपने किस तरह के केसेस देखे हैं, रीजंस देखे हैं? देखिए, एसिड अटैक जैसी घटना जो बड़ी दुर्घटना मैं समझता हूँ, ये मर्डर से भी ज्यादा सीरियस है, एक अदालत ने ऐसा टिप्पणी भी की थी, तो बहुत सीरियस है, क्योंकि ये जो चेहरे पर या बॉडी पर जो जो शारीरिक यातना तो देता ही देता है, उसके अलावा माइंड पर भी एक कार छोड़ के चला जाता है, पूरी उम्र वो जो भी विक्टिम होता है वो याद रखता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब आपके आपने पूछा कि वजह क्या हो सकती है, वजह कई हो सकती है इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि मानसिकता की बात है, जो यंग जनरेशन जो मेनली जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो जवान लड़के या जवान आधी अधेड़ उम्र के लोग इसमें होते हैं, इससे बहुत छोटे नहीं होते और बहुत बड़े भी नहीं होते, तो उनकी अपनी मानसिकता के ऊपर बात करते हैं कि मानसिकता क्यों है ऐसी। वो ये भी हो सकता है कि किसी ने लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया हो, या कोई एक तरफा प्यार दिखाने के लिए वो जबरदस्ती किसी लड़की के साथ में कोई प्यार करने चाहे और लड़की उसको अवॉइड करे, तो वो आदमी की मानसिकता है कि देखो मेरे को मना कैसे कर दिया। इस तरह ये भी है कि एक एनमिटी के लिए भी है, क्योंकि एक ऐसा एक वेपन है जो एसिड है, एक ऐसा वेपन है जो कि 2013 से पहले तो आम मिल जाता था, कहीं भी मिल जाता था, लेकिन अब 2013 के बाद में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई है कि कैसे इस एसिड के जो एसिड को बेचा कैसे जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, और जिस आदमी को दिया जाएगा वो उसका उसका एक पूरा डिटेल दिया जाएगा, उसका आइडेंटिटी दी जाएगी, फोटोग्राफ दी जाएगी, रीजनिंग दी जाएगी, क्यों क्या किस लिए चाहिए उसको, तो तब वो सेल हो सकता है। इन गाइडलाइंस को फॉलो कराना ये पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो कितना इसमें कितने गहरी तरीके से उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमारे समाज में कुरीति मानसिकता जो है कि सुधार से एसिड अटैक करके किसी को घायल करना और उसके मानसिकता को अभी झकझोर देना, ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है जो दिल्ली में अभी हुआ है, और ये आज कोई एक नया केस नहीं है, इससे पुराने बहुत केस ऐसे होते रहे हैं। एक और मैं साथ बता देता हूँ कि ये क्यों हो रहे हैं, कि लोगों को कानून का और पुलिस का डर कम होता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे जो देश में केसेज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ट्रायल, ये दोनों चीजें बहुत लंबी हो जाती हैं, और ट्रायल खासतौर से ज्यादा लंबी होती है, तो लोगों को ये लगता है कि एक केस में अगर हुआ तो 8-10 साल से पहले तो कोई फैसला होने का नहीं है। आप निर्भया का केस देख लीजिए, कल कितने साल में बाद जाकर उसको फांसी हुई है। इसी प्रकार से ऐसे केसेज में जब तक ये चलते रहेंगे तब तक धीरे 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 विटनेसेस की मेमोरी फेड हो जाएगी, या वो उसको धमकाएंगे, या विटनेसेस उसको बैठ जाएंगे कोर्ट में, उसकी गवाही नहीं देंगे, ये सब चीजें हमारे देश में चलती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको समझता हूँ कि हमारे केसेस का ट्रायल जो है ये जल्दी से जल्दी हमारे देश में ट्रायल का ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कानून को, हमारा पुराना सिस्टम है सीआरपीसी का, प्रोसीजर का सिस्टम है, आईपीसी का सिस्टम है, उसको आज के हालात में उसको चेंज कर देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, और ऐसे केस में अगर मान लो 6 महीने में इसका ट्रायल खत्म होता है तो लोगों को लगेगा कि इसमें जल्दी त्वरित कार्रवाई हो गई है, तो कोई आदमी ऐसे केस नहीं। आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे दो चीजें आप बताइएगा सर, आपने मैं आपसे, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी ज्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर आपको जाना है। जिस 326 आईपीसी की धारा का जिक्र होता है जिसमें 10 साल की सजा है और गैर जमानती भी है और फिर उम्र कैद भी हो सकती है, क्या वो सही से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होता? होम मिनिस्ट्री का डाटा कहता है 2018 से 20 के बीच में 386 केसेस आते हैं, लेकिन सिर्फ 62 में ही सजा हुई, उसमें भी बहुत समय लगा, यानी कि वो रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है यहां पर, ये समझाइए। और मैं एक और पहलू पर बात करूंगी, एक बार इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है तो उसको कैसे रोक, पहले इस पर जवाब दीजिए। बताते हैं फास्ट ट्रैक की बात है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे देश में कई केसेस के लिए है, पॉक्सो में है, रेप में है, और ऐसे कई प्रकार के केसेज है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं 326 की धारा अपने आप में बहुत ही सख्त धारा है, सजा इसमें बड़ा पर्याप्त है। सिस्टम यहाँ पर क्या है कि डिले इन ट्रायल, ये बहुत ज्यादा डिले होती है,
और जब तक डिले तब तक ट्रायल में गति, वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक केसेस की ट्रायल करने का जो हमारा प्रोसीजर है और उसके बाद प्रोसीजर के बाद एक सजा होगी, उसके बाद अपील का कितने चांस है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक रेप की केस था, नीचे वाली कोर्ट ने सजा किया, हाईकोर्ट ने सजा किया, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो ये जो सिस्टम है इसको हमें देखना पड़ेगा। हमारे देश में कानून इस प्रकार से होना चाहिए कि एक बार अपील से ज्यादा दूसरी अपील नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक जज ने कोई फैसला दिया तो दूसरे जज के बाद एक अपील तो ठीक है चलेगा, लेकिन उसको भी ट्रायल, आप देखिए, आप हाईकोर्ट में अपील जो पेंडिंग है, मैं वकालत भी कर रहा हूँ, हाईकोर्ट में अपील जो पेंडिंग है, 10-10 साल पुराने केसेस की अपील अब सुनवाई भी हो रही है। तो ये कहाँ हम जा रहे हैं, ये देखना है कि हमें त्वरित न्याय के लिए हमें जुडिशियल सिस्टम को इतना फास्ट बनाना पड़ेगा। अगर जजेस की भर्ती कम है तो जजेस की भर्ती करनी चाहिए, नॉट ओनली इन दिल्ली, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। वहां पर बहुत से ऐसी स्केर्सिटी है जुडिशियल ऑफिसर्स की, उसकी भर्ती करनी चाहिए। एक तरफ तो हमारा, हम कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, कोई अपने उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनको सोचना चाहिए कि कब तक हम ऐसे बच्चियों को ऐसे अटैक में धकेलते रहेंगे। ठीक है सर, ये तो आपने पुलिस का जिक्र किया और आपने शुरू में अपनी बातचीत के शुरू में कहा था कि पुलिस का खाकी का खौफ कम हो रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आप होम मिनिस्ट्री का ही डाटा है जो कहता है कि 531,737 पद खाली है डिपार्टमेंट में। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, इस पर भी पक्ष रखिएगा, पुलिस रिफॉर्म की भी जरूरत है, कम्युनिकेशन गैप है, और ये जो ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है सर, इस पर कैसे रोक लगेगी, जल्दी से बोलिए। ऑनलाइन परचेजिंग पे रोक लग सकती है, अगर ऑनलाइन परचेजिंग पे भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बन सकते हैं जो बनाने चाहिए, जैसे परचेजिंग पे अगर फिजिकल परचेजिंग पे अगर कोई कायदे कानून बने हैं तो ऑनलाइन पे भी वही लागू होते हैं। ऑनलाइन भी परचेजिंग ऐसे भी कोई भी कंपनी या कैसे बेचेगी जब तक उसको पता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इलीगली ऑनलाइन पे परचेज किया है या किसी ने इस केस में अगर ऑनलाइन किया बता रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो वो ऑनलाइन कौन से पोर्टल से हुआ है, कौन से एक बहुत ही नामी चर्चित प्लेटफॉर्म है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही भारत में कोई ऐसा होगा, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्होंने उस वेबसाइट से सामान ना मंगाया, उस प्लेटफॉर्म से, ऐसा नामुमकिन होगा। बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है, बहुत चर्चित, टॉप टू में, बट ये देखना पड़ेगा कि क्या उस पोर्टल में, उस सेलिंग जो पोर्टल बता रहे हैं आप, उससे उन नियमों के अनुसार बेचा है या नहीं बेचा है। अगर वो नियमों की इन्होंने ताक पर रखकर इसने सेल की है, अपने प्रॉफिट बनाने के लिए सेल की है, तो उनके खिलाफ भी जो कानून में व्यवस्था है, कानून में जो प्रावधान है, ठीक है सर।